गोयल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें तो जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ आपको टाइटल देखकर समझ ही आ गया होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स है तो विंटर्स के लिए कुछ पर्टिकुलर लिप शेड्स होते हैं, कुछ लिपस्टिक्स हैं मेरे पास मेरे कलेक्शन में से, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो थोड़ा मैं लिपस्टिक्स के बारे में रिव्यू कर दूंगी और हैंड स्टिच कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो लिपस्टिक्स का कलेक्शन है वो बहुत सारा है, बट मैं आज की वीडियो में आपके साथ जो मेरे टॉप 10-12 विंटर्स के लिए लिप शेड्स हैं वही शेयर करूंगी। सो वन बाई वन मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो पहली जो मेरी लिपस्टिक्स है मेरे कलेक्शन में से विंटर्स के लिए, वो है फेसेस कैनेडा का ऑल टाइम प्रो मैट लिप क्रेयॉन। ये मिनी लिप क्रेयॉन है और इसका जो शेड मेरे पास है विंटर्स के लिए वो है ब्रोनेटे 14। और इसका मैं हैंड स्टिच कर देती हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये काफी अच्छा है, मैंने पर्पल से बाय वन गेट वन के ऑफर में लिया था। नायका पर भी ऑफर आते ही रहते हैं बाय वन गेट वन का और 40% का, 50% का, 30% का, काफी सारी, तो आप ले सकते हैं। ये मुझे काफी अच्छा लगा शेड। तो ये देखिए ये है वो शेड मैं जिसकी बात कर रही हूँ। ये विंटर्स के लिए काफी अच्छा है, डार्क कोको कलर का है, एक क्रीमी मैट है। जब आप अपने लिप पर अप्लाई करोगे तो क्रीमी लगेगा बट कुछ सेकंड बाद सेटल डाउन होके मैट फिनिश देगा। सेकंड जो लिपस्टिक है मेरे कलेक्शन में विंटर्स के लिए वो है वैन बाय वे की प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक। इसका भी मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है, काफी अफोर्डेबल, काफी अच्छी लिक्विड लिपस्टिक। और इसका जो फॉर्मूला है प्राइमर प्लस मैट वाला मुझे काफी अच्छा लगा, लॉन्ग लास्टिंग है, इजीली आपके लिप पर ग्लाइड होगी। और जो विंटर के लिए जो शेड है मेरे पास वो है इसका स्नगल सीक्रेट। तो ये देखिए जो शेड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये विंटर्स के लिए काफी अच्छा है वाला शेड। शेड मैं स्क्रीन पर और मेंशन कर दूंगी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एप्लीकेटर भी काफी अच्छा है तो ये आप जरूर ट्राई कर सकते हैं एक बार। थर्ड लिपस्टिक जो है मेरे कलेक्शन में विंटर्स के लिए वो है ब्लू हेवन कॉस्मेटिक की एलिगेंस मैट लिप कलर। ये मैट लिक्विड लिपस्टिक है और इसका जो रिटेल प्राइस है वो 75 रुपीज है, काफी अफोर्डेबल है, बट मुझे थोड़े कंफर्टेबल नहीं लगती क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ओके ओके ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते हैं। तो जो शेड है मेरे पास वो है शेड नंबर 2। तो ये काफी अच्छा शेड है, रेड और पिंक का मिक्स है, फुल रेड नहीं है, तो ये परफेक्ट है जिनको रेड और पिंक जैसे लिप शेड पसंद है। फोर्थ जो लिपस्टिक है मेरे कलेक्शन में विंटर सीजन के लिए वो है माई ग्लैम के लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक। ये मैं बता रही हूँ काफी अच्छी है, आप जो ग्रेट ग्लैम सर्वे उसको फिल कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी। आपको ये लिपस्टिक फ्री में ओनली 99 रुपीज में मिल जाएगी, 99 रुपीज में शिपिंग चार्जेस है। अगर आप इसके साथ कोई भी प्रोडक्ट एड कर लेते हैं 200 रुपीज तक का तो आपको ये फ्री मिलेगी। और इसका जो शेड मेरे पास है विंटर सीजन के लिए वो है डीएम स्लाइड। तो ये देखिए जो फर्स्ट वाला है मेरे हैंड पर ये स्ट्रेच ये इसी वाली लिपस्टिक का है डीएम स्लाइड शेड। शेड काफी अच्छा विंटर सीजन के लिए परफेक्ट है, मरून रेड का मिक्स है ये वाला शेड। जिनको मरून लिप शेड पसंद है तो वो ये जरूर ट्राई करें ये वाला शेड। नेक्स्ट जो है मेरे पास मेरे कलेक्शन में से वो है NYV की आर्गन ऑयल मैट लिपस्टिक। तो ये जो लिपस्टिक है काफी अफोर्डेबल है, क्रीमी मैट है, इसका जो रिटेल प्राइस है वो है 175 रुपीज। वैसे मेरे पास इसके 4 शेड्स है, जो विंटर के लिए मैं बता रही हूँ शेड वो है इनसाइडर लुक। तो ये वाली लिपस्टिक का भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ अपने चैनल पर। तो ये देखिए ये वाला शेड है इनसाइडर लुक, काफी अच्छा है। तो जिनको क्रीमी मैट लिपस्टिक्स पसंद है तो वो लोग ये जरूर ट्राई करें ये वाली लिपस्टिक्स। तो ये लिपस्टिक्स डेली वेयर के लिए अच्छे हैं, क्रीमी मैट है ये और क्रीजलेस है, इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है मेटल केस वाली। अगली जो लिपस्टिक है मेरे कलेक्शन में विंटर के लिए वो है नायका की सो मैट लिपस्टिक। और इसका जो शेड है मेरे पास वो है चॉकलेट ट्रफल। तो ये देखिए पैकेजिंग काफी अच्छी है, इसकी बुलेट फॉर्मेट में है और ये परफेक्ट चॉकलेट ट्रफल वाला शेड है विंटर्स के लिए। तो जिनको ये चॉकलेटी शेड्स पसंद है तो वो लोग ये एक बार जरूर ट्राई करें, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी अगर आपको ये वाला लिपस्टिक का शेड चाहिए। तो ये जो सो मैट वाली लिपस्टिक है नायका की काफी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग 5-6 आवर्स है, इजिली आपके लिप पर ग्लाइड होगी, कम्फर्टेबल है, स्मूथली ग्लाइड होती है। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है मेरे कलेक्शन में विंटर लिप शेड्स के लिए वो है मेबलिन की कलर सेंसेशन रेड ऑन फायर लिपस्टिक। इसके अंदर आपको 4 शेड मिल जाएंगे। मेरे पास जो शेड है विंटर्स के लिए वो है स्मोकी रेड शेड नंबर 1, ये आपको नायका पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये शेड भी काफी अच्छा है, रेड और पिंक का मिक्स है,
तो ये भी आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। इजीली ग्लाइड होगी, कंफर्टेबल है लिप्स पर। इसका जो फॉर्मूला है क्रीमी मैट वाला है, थोड़ा ग्लॉसी लुक लगेगा लिप पर ये अच्छी है वाली लिपस्टिक। नेक्स्ट जो है मेरे पास लिपस्टिक विंटर सीजन के लिए, अगेन माई ग्लैम की लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक। इसका जो शेड मैंने अभी रिसेंटली लिया है वो है डेटर रिव्यू। ये शेड मुझे डीएम स्लाइड का बहुत ज्यादा सिमिलर लगा, पता नहीं क्यों। वैसे इनका ये न्यू लॉन्च है, मतलब ब्रांड ने ये न्यूली लॉन्च किया है ये वाला शेड, बट मुझे ये जो मैंने फर्स्ट किया हुआ है अपने इस वाले हैंड पर, सच ये डीएम स्लाइड बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। अगर आप लोग देख पा रहे, मुझे तो काफी सिमिलर लगे। और मैंने जो अभी इस टाइम लिप पर वियर किया हुआ है वो यही वाला शेड है, डेटर रिव्यू। अगर आपको ऐसे शेड्स पसंद है तो आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। मुझे भी ये शेड अच्छा लगा। जिनको रेड बोल शेड्स पसंद है तो वो लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करें, ये वाला शेड। इनका फॉर्मूला काफी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। इवन आप हैवी मील या ऑयली फूड खा रहे तो तब भी आपके लिप पर से फेड नहीं होगी सेंटर पार्ट से। नेक्स्ट जो है मेरे पास लिपस्टिक विंटर सीजन के लिए, फेसेस कैनेडा की वेटलेस मैट लिपस्टिक। इसका भी मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है। तो जो विंटर सीजन के लिए परफेक्ट शेड इसका वो है 46 ब्यूटी शेड नंबर 1। हैंड पर लास्ट में जो मैंने शेड हैंड स्ट्रेच किया है वो यही वाला शेड है। काफी अच्छा फॉर्मूला है इनका, ये फुल मैट है, कंफर्टेबल लिप्स पर, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप हैवी मील या ऑयली फूड खाए तो सेंटर पार्ट से फेड हो जाएगी। री एप्लीकेशन मुझे लगता है थोड़ा टफ है। मेरे पास ये जब न्यूली लॉन्च हुई थी तब की है ये लिपस्टिक, शायद ब्रांड ने अब इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया है, थोड़ा क्रीमी वाला कर दिया है। अदरवाइज मेरे पास जो है फुल मैट है वाली लिपस्टिक का फॉर्मूला। तो ये जब मैं अप्लाई करती हूँ तो थोड़ा मुझे मतलब टफ लगता है अप्लाई करने में, इजीली ग्लाइड नहीं होती है। अदरवाइज ये लिपस्टिक काफी अच्छी है, ओनली 249 रुपीज में आपको ये वाली लिपस्टिक मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है मेरे पास मेरे कलेक्शन में से विंटर सीजन के लिपस्टिक वो है स्टे करके की मिनी लिक्विड लिपस्टिक। ये मैंने पर्पल से ली थी एक बार ऑफर में। तो इसका जो शेड मेरे पास है वो है सल्ट्री फंच, और इसका मैं हैंड स्ट्रेच कर देती हूँ। ये वाला देखिए जो मेरे हैंड पर ये लास्ट में मैंने किया है हैंड स्ट्रेच, वो ये वाली लिपस्टिक का है। तो ये लिपस्टिक मुझे ओके लगी, इतनी खास नहीं लगी, कंफर्टेबल है लिप्स पर, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और मुझे लगता है ये लिपस्टिक से क्रीजलेस नहीं है, आपके लिप्स ड्राई भी हो जाएंगे। और आप इनको मुझे लगता है कि बाय वन गेट वन के ऑफर में लें। वैसे आई थिंक इसका रिटेल प्राइस है 199 रुपीज। लास्ट जो है मेरे पास मेरे कलेक्शन में से विंटर सीजन के लिए लिपस्टिक वो है मेबलिन की कलर सेंसेशन लिक्विड मैट लिपस्टिक। इसका जो रिटेल प्राइस है वो 349 रुपीज। ये मैंने रिसेंटली ली है। तो मेरे पास इसका जो शेड है विंटर सीजन के लिए वो है बेस्ट बेव। तो ये देखिए मैंने इस वाले हैंड पर जो सबसे लास्ट में किया है, तो जिनको ज्यादा डार्क शेड पसंद नहीं तो उनके लिए विंटर सीजन के लिए परफेक्ट है ये वाला शेड। लाइट पिंक शेड है ये वाला। ये वाली जो लिपस्टिक से मुझे ओके लगी, इतनी खास नहीं लगी, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं लगी, कंफर्टेबल लिप्स पर है बट इतनी नहीं है, इजीली अप्लाई होगी, काफी अच्छा स्मूथ टेक्सचर है इनका लिपस्टिक्स का। बट मुझे लगता है कि 349 रुपीज में ये अफोर्डेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। सो ये था मेरा कलेक्शन लिपस्टिक्स का विंटर सीजन के लिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरी पुरानी वीडियोज भी जाकर चेकअप कर सकते हैं, मैं हमेशा लिंक मेंशन करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।